In the last class, we were discussing about properties of ionic compounds. So today, we will discuss about extraction of metal. For understanding extraction of metal, we first have to see the reactivity series. Reactivity series means the different uh, elements in the periodic table are arranged in their reactivity which are highest reactive which are moderate reactive and which are very less reactive for example potassium sodium calcium magnesium and aluminium these are highest reactive element and in this reactivity series as you can see the reactivity is decreases down as we move down okay so most reactive metal in this uh, particular reactivity series table is potassium then sodium then calcium then magnesium then aluminum zinc iron lead and copper are moderate reactive silver and gold are very less reactive they don't react with any compound that's why these are used in like uh, many um, say for example for making ornaments because they don't react with anybody so don't uh, lose their sign Okay, so most reactive element in this uh, activity series is potassium, sodium, calcium, magnesium, and aluminium. According to the reactivity, the m different elements in the universe in f is found in the ore in different forms, like in form of oxides, carbonates, bicarbonates. Okay, different salts' ki form me the pa uh, different elements are present in ore oh, in the Indian uh, in earth atmosphere. Okay, next is वो हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट द मेटल सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल द मेटल एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज आर सो रिएक्टिव दे आर नेवर फाउंड इन नेचर इन एज फ्री एलिमेंट्स वो तो इतने रिएक्टिव होते हैं दैट दे ऑलवेज रिएक्ट विद ऑक्सीजन या अदर साल दे ऑलवेज फॉर्म साल्ट ओके दे नॉट फाउंड इन द यूनिवर्स एज फ्री एलिमेंट्स metal in the middle of activity series are moderate reactive. They are found in earth crust mainly as oxide, सल्फाइड and carbonates. जो मिडल में है रिएक्टिविटी सीरीज के जैसे जिंक आयरन लेड है दीज कंपाउंड दीज एलिमेंट्स आर फाउंड इन इन द अर्थक्रस्ट अर्थक्रस्ट क्या होता है अपर लेयर ऑफ अर्थ इज नोन एज crust.

हमने मैंने ओर को और मिनरल को समझाया भी है लास्ट लेक्चर सो और, <coughs> और जिनमें से हम इन्हें निकालते हैं उनमें बहुत सारे कंटामिनेशंस होते हैं कॉन्टामिनेशन मतलब बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं इम्प्योरिटीज कॉन्टामिनेशन एडिशन ऑफ इम्प्योर कंपाउंड होता है, है भाई ठीक है को इज लाइक सोल एंड सेंस दीज आर नोन एज गेंग

लेड एंड कॉपर के लिए रिडक्शन यूजिंग कार्बन एंड सिल्वर एंड गोल्ड के लिए दीज आर फाउंड इन फ्री स्टेट सो वी डोंट नीड टू एक्सटेक्ट दीज टू एलिमेंट्स सो वॉट इज फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट एक्सटेक्शन ऑफ मेटल वीच आर वेरी लो इन एक्टिविटी सीरीज सो दीज मेटल्स हैव वेरी लो रिएटिविटी द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स आर रिड्यूस्ड बाई मेटल रिड्यूस्ड मेटल बाय हीटिंग अलोन इनको सिंपल हमने हीट करा तो हमारे पास ये मिल जाएगा सिनेबर इज अ ओर ऑफ मरकरी सिनेबर मरकरस ऑक्साइड होता है बी एच जी एस फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है विच इज अ ओर ऑफ मरकरी विच इज ऑन एक्सपोजर टू हीट मर्क ऑक्साइड बनाता और further heating है और फर्दर हीटिंग पे मरकरी दे देता है जैसा कि इस रिएक्शन में दिखाया हुआ है मरकरी को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं इसको हीट करते हैं तो आपके पास इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सो आपके पास मर्करिक ऑक्साइड बन जाता है और मर्किक ऑक्साइड को फर्दर हीट करने पे मरकरी प्लस ऑक्सीजन बन जाता है नेक्स्ट इज uh, जैसे कॉपर सल्फाइड जो है उसको हम कैसे करते हैं कॉपर सल्फाइड को भी हम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं क्योंकि तो कॉपर ऑक्साइड फर्दर हीटिंग पे हमारे पास क्या बनता है कॉपर प्लस सल्फर डाईऑक्साइड okay next uh, extracting the metal which are in middle of activity series the metals in which are in middle of activity series are moderately reactive these are found in atmosphere as oxide sulfide and carbonates or basically these are found in earth crust as oxide sulfide and carbonates it is very easy to extract मेटल फ्रॉम देम ऑक्साइड एज कंपेयर टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट बिकॉज वॉट वी नीड वी जस्ट हैव टू हीट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देयर फॉर बिफोर एक्सटेक्टिंग मेटल फ्रॉम देर रिस्पेक्टिव ऑफ द मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट मस्ट भी कन्वर्टेड इन टू मेटल ऑक्साइड्स अगर मेटल सल्फाइड हैं तो उन्हें मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा जैसे सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ जिंक आर हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव यू जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाई ऑक्साइड सो आफ्टर दैट जैसे इसमें कार्बोनेट का हुआ है द कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर इन टू ऑक्साइड बाई हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर इज नोन एज रोस्टिंग देर आर टू प्रोसेस विच वी डू वेरी फर्स्ट प्रोसेस इज कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर इन टू Their oxide by heating strongly in presence of excess air, if the excess of air is present, that is known as roasting, and the conversion of carbonate ore into oxide strongly heating strongly in limited air supply by using a suitable reducing agent such as carbon is known as calcination so the difference between roasting and calcination is roasting is done in presence of oxygen and calcination is done in presence of limited supply of air and using a suitable reducing agent like carbon okay next is um,

कंपाउंड जो बन रहा है और मेटल जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो है वो मेल्ट हो जाता है वो लिक्विड स्टेट में जाता है इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम इज यूज फॉर जोइनिंग रेलवे ट्रैक्स और करेक्ट मशीनरी पार्ट दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज थर्मिट रिएक्शन कई रिएक्शन में तो इतना अमाउंट ऑफ हीट निकलते हैं लाइक सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम If we uh, react these two compounds, what we get? Iron plus aluminium oxide and load of amount of heat. That amount of heat is used for joining railway tracks and cracking machinery parts. Okay, this reaction is also known as thermite reaction, which a lot of amount of heat hoti Next is extracting metal of toward the top of activity series. The metal at the activity series are highest reactive.

सोडियम आयंस माइग्रेट टूअ द कैथोड सोडियम कैथोड की तरफ जाते हैं कैथोड हम क्या करते हैं दो इलेक्ट्रोड लेते हैं दैट इज कैथोड एंड एनोड ठीक है सोडियम आयन कैथोड की तरफ जाते हैं और जो आपके पास अदर आयंस है वो एनोड की तरफ जाएंगे जैसे अगर सोडियम क्लोराइड है तो क्लोराइड आयन एनोड की तरफ जाएंगे वेर इलेक्ट्रॉन एंटर इन द मेल्ट एंड रिड्यूस द सोडियम मेटल जो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं हमने इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है उसमें डिप करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इलेक्ट्रॉन देता है तो सोडियम मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन गैसेस जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है आपने दो इलेक्ट्रॉन लेने हैं एक का का एनोड का, का काम करेगा उन दोनों को सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में डिप करना है ठीक है उनके साथ आपने की और एक बैटरी जोड़ देनी है उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को पास करना है कैथोड पे क्या होगा सोडियम आयन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके सोडियम बना लेगा और क्लोराइड कैनोड पे क्या होता है एक चीज का ध्यान रखना भी कैथोड पे रिडक्शन होता है और रिडक्शन सी आर छोटू राम से याद रखना और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सो एनोड जो है वो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी और कैथोड पे सोडियम मेटल डिपोजिट हो जाएगा सो वॉट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल ए वाइड रेंज ऑफ सच जिंक टिन निकल सिल्वर गोल्ड आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली आफ्टर ऑबटेनिंग दम फ्रॉम द ओर एक बार ओर से हमें मिल गए दीज एलिमेंट सो वट वी डू वी हैव टू रिफाइन दीज एलिमेंट ए इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड इम्प्योर मेटल को एनोड बनाया जाता है ओके थिन स्ट्रिप्ट ऑफ प्योर मेटल इज मेड कैथोड थिन स्ट्रिप जो प्योर मेटल के उन्हें कैथोड बनाया जाता है एक सोल्यूशन ऑफ रिस्पेक्टिव मेटल साल्ट इज यूज इन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सोल्यूशन यू कैन सी पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड इन थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट ऑन द अदर हैंड इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट के डिपोजिट ऑन द कैथोड द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज गोज इन टू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन विद द इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बोटम एंड टर्म्स एज एनोडमंड ये आप इस पिक्चर में देखिए हमें क्या करना है हमें जो प्योर मेटल है उसकी स्ट्रिप लेनी है और इम्प्योर मेटल जो है उसकी स्ट्रिप अलग लेनी है वाइड रेंज ऑफ मेटल हमें क्या करना है प्योर मेटल इम्प्योर मेटल को एनोड बनाना है सो so, अगर हमारे पास ये इम्प्योर मेटल है तो इसको हमने एनोड बना दिया कॉपर का भी एनोड बनाने के बाद हमने क्या लेना है कैथोड थिन स्ट्रिप लेने कैथोड पे और ये प्योर मेटल है ठीक है दिस इज योर इम्प्योर जो अभी आपने ओर से एक्सट्रैक्ट करा है दिस इज योर प्योर यू हैव टू टेक एसिडिफाइन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इनको उसी के सोल्ट में डिपोजिट फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास करना है तो कॉपर प्लस टू जो आपका इम्प्योर है यहाँ से क्या होगा एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो ये कॉपर प्लस टू में चेंज होता जाएगा और यहाँ पे कॉपर जो है वो डिपॉजिट होता जाएगा अभी इसके ऊपर सो so ऐसे हो जाएगा ये ये जो कॉपर यहाँ पे था ये कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा तो दिस इज हाउ वी कैन डू द रिफाइनिंग ऑफ मेटल हमें इमप्योर मेटल को जो है वो एनोड बनाना है प्योर मेटल को कैथोड बनाना है और उसको उन दोनों को हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करना है और इलेक्ट्रिसिटी को पास करना है नेक्स्ट इज कोरोजन इन केस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन होता है क्या कोरोजन इन द फिनोमिना ऑफ रिएक्टिंग ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन सो वॉट हैपन इज मेटल कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव मेटल ऑक्साइड like in case of rusting of iron the iron can react with oxygen present in the air and moisture and develop rust that is hydrated iron oxide as shown in picture that iron can react with oxygen and water to give iron oxide next is rusting of copper the metallic copper can also react with oxygen carbon dioxide and atmospheric uh, moisture to give you copper hydroxide and copper carbonate this is also a type of corrosion okay कॉपर पे भी जितने भी कॉपर के बर्तन होते हैं आपने देखा होगा उन पे जो है ग्रीनिस अपियरेंस आ जाते हैं दैट ग्रीनिस अपियरेंस इज ड्यू टू कोपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट नेक्स्ट एज यू सी अगर आपने कोई भी सिल्वर ऑर्नामेंट्स देखा है चांदी के कोई भी गहने देखे हैं तो उसमें देखा होगा चांदी की कोई भी चीज़ है अभी आफ्टर सम टाइम दैट Uh, is blackish in nature. The reason behind that is silver can react with H2S, hydrogen sulfide or sulfur present in the air to give you silver sulfide. Okay, so we are done with this chapter. Next uh, lecture, we will discuss about the NCRT problems of this chapter. <laughs>